पार्टी, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो बेटा आप सब लोग? आई नो कि सब अब डरे हुए हैं क्योंकि 31 तारीख को है अब आप लोगों का पेपर, और बच्चों के मन में अब ये है कि भाई अब ये कलर को क्या हो गया। बच्चों के मन में अब ऐसा है कि यार अब पेपर कैसा आएगा, MCQs पता नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे, 40 नंबर के आएंगे या नहीं आएंगे, उसके अलावा में जो हमारा पैटर्न था वो सेम रहेगा या नहीं रहेगा, इसके अलावा में क्वेश्चंस जो हैं वो सेम आएंगे या नहीं आएंगे, डिफरेंट तो नहीं आएंगे क्वेश्चंस। तो इतने सारे क्वेश्चंस अब तुम लोगों के दिमाग में चल रहे हैं मुझे पता है, क्योंकि देखो एक जो गुरु होता है, जो एक अध्यापक होता है, एक टीचर होता है, ठीक है, उसको पता होता है कि जो उसके स्टूडेंट हैं वो क्या क्या चीज़ें सोच सकते हैं। अब आधे बच्चे अभी इसमें भी क्या सोच रहे होंगे कि यार पर्चियां कैसे बना के लेके जाएं हम लोग, या फिर चीटिंग करने का कोई जुगाड़ हो सकता है कि नहीं हो सकता है ना। अभी तुम लोग कमेंट में तो मुझे ये चीज़ बताओगे नहीं कि हम ऐसा सोचते हैं मैम, लेकिन कोई ना कोई ऐसा तो होता ही है कि हाँ भाई हम लोग भी चीटिंग करने का सोच रहे हैं, पता नहीं कैसे कर पाएंगे, और प्लानिंग चल रही होगी वो चीज़ मुझे पता है, लेकिन अभी देखते हैं कितने हैं कितने नहीं हैं। कमेंट में बताना तुम किस कैटेगरी में आते हो, अच्छे बच्चे की कैटेगरी में आते हो या फिर चीटिंग करने का सोच रहे हो या फिर ऑनेस्टली पढ़ाई कर रहे हो, जो भी चीज़ है, ठीक है ना। तो आज की वीडियो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि आप लोगों का 31 तारीख को पेपर है, कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम है आप लोगों का, है ना। अब पेपर के लिए डाउट आप लोगों के बहुत सारे ये हैं कि मैम पेपर जो है वो कैसा आएगा, उसका लेवल कैसा होगा, और जो MCQs हैं वो आएंगे या नहीं आएंगे, तो ये सारे के सारे डाउट्स अभी बच्चों के चल रहे हैं कि मैम किस तरीके से होगा, आप हमें एक बार बताइए। और जो रोल नंबर है एडमिट कार्ड को लेकर, जैसे ये हो रहा है कि एडमिट कार्ड अभी बच्चों के निकल नहीं रहे हैं, ये प्रॉब्लम आ रही है। तो बेटा एडमिट कार्ड को लेकर मैं आप लोगों को ये बोलूँगी कि आप लोगों का 31 को पेपर है, जो बहुत बार ऐसा होता है ना कि कई बार एडमिट कार्ड जो है साइट हैवी की वजह से निकलते नहीं है, या कई बार ऐसा होता है कई बच्चों के एडमिट कार्ड अटक जाते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपका एडमिट कार्ड की वजह से देखिए पेपर नहीं हो पाता है ना, तो उसका रिस्पॉन्सिबल जो है वो HBSC बोर्ड रहेगा। हाँ, लेकिन आप लोग रिस्पॉन्सिबल कब रहेंगे, जब आप लोग डिटेल्स जो है वो गलत डालेंगे। अगर आप लोगों ने डिटेल सही डाली हैं, अगर आप लोगों ने सही सारी चीज़ें अच्छे से लिखी हैं, अच्छे से फिलअप करा है, कैप्चर टेक्स्ट वगैरह सब कुछ अच्छे से डाला और फिर भी रोल नंबर नहीं आ रहा है, तब आपकी मिस्टेक नहीं है। तो आप लोगों को घबराने की, डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों को अभी इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, अब बच्चों डाउट है कि मैम 31 को हमारा पेपर है, और पेपर का जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि 10th क्लास का अगर पेपर की मैं बात करूं तो वो मॉर्निंग शिफ्ट में है, और 12th क्लास का पेपर की अगर मैं बात करूं तो वो इवनिंग शिफ्ट में है। और पेपर होगा किस टाइम, तो मॉर्निंग और इवनिंग में, और एक चीज़ और कि संडे पड़ रहा है। तो बहुत सारे बच्चों का कमेंट ये था कि मैम संडे को पेपर होगा, संडे को तो कभी भी पेपर नहीं होता। तो बेटा अगर जो भी आपके आसपास बड़े भाई बहन हो ना, या आपके कज़न हो, ब्रदर सिस्टर्स हो, तो उनसे पूछेगा, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं ना, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हम लोग देते हैं, सारे के सारे संडे को ही होते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों को इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, संडे को भी पेपर होते हैं। अभी आप लोगों को वो चीज़ें नहीं पता है, आप लोग बड़े होंगे तो धीरे धीरे सारी चीज़ें पता लगेंगी, ओके। तो आई थिंक ये चीज़ क्लियर है। अब आप लोगों का देखो, एक तो MCQs है, इसको लेके कोई अपडेट नहीं है कि आएंगे नहीं आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, तो मतलब सेम पैटर्न रहने वाला है। पैटर्न को लेकर भी कोई डाउट नहीं है, कोई भी अपडेट नहीं इन लोगों ने डाली है। अगर देखो ऐसा कुछ होता ना, तो बोर्ड पहले नोटिस डाल देता कि भाई पैटर्न जो है इस तरीके से रहेगा, 20 नंबर के 20% जो है वो MCQs आएंगे, बाकी सारा थ्योरी आएगा, या इतने थ्योरी आएगी और लिखने वाले क्वेश्चंस इतने आएंगे, MCQs एक नंबर वाले इतने आएंगे, लेकिन कुछ भी अपडेट उन्होंने नहीं दी है। और पेपर को आप देख सकते हो, 23 के बाद हार्डली 6 to 7 डेज बचे हुए हैं, तो इस इतने दिनों में क्या बोर्ड नोटिस डालेगा, बच्चे प्रिपरेशन कर ही रहे हैं, तो इसलिए परेशान होने की ज़रूरत आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। आप लोग जितना सोचते हैं इतना परेशान मत होइए। दूसरी चीज़, मैंने आपको प्रिपरेशन के लिए इतनी अच्छी चीज़ बताई दी है, वैसे तो नो डाउट बहुत सारे टीचर्स जो हैं वो आप लोगों की हेल्प करते ही हैं, लेकिन मेरा मोटिव रहता है कि बस जहाँ जहाँ से हो पाए जितना पॉसिबल हो वो आप लोगों की हेल्प करूं। तो मैंने आप लोगों को प्लेलिस्ट बताई दी थी लास्ट वीडियो में, जिसने भी नहीं देखी हो तो वो देख लीजिएगा, उसमें प्लेलिस्ट है एग्जाम प्रिपरेशन के नाम से, आपको डिस्क्रिप्शन में, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आजकल मैं डाल रही हूँ, ताकि हर बच्चा जो है वो वीडियो, कोई भी वीडियो चाहिए उसको देख ले, ठीक है। आपको किसी भी एग्जाम से चाहिए हो, हिस्ट्री की चाहिए हो, हिंदी की चाहिए हो, इंग्लिश की चाहिए हो, मैथ्स की चाहिए हो, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, अकाउंट हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, 10th है, 12th है, किसी भी क्लास की, किसी भी सब्जेक्ट की आपको अगर वीडियो चाहिए है तो आपको वहाँ से मिल जाएगी। उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, इसके अलावा में MCQs हैं कि किस टाइप से MCQs बनेंगे। एक चीज़ का ध्यान रखना कि बिल्कुल ये सोच के मत जाना कि सेम एज इट इज़ वही पेपर आ जाएगा, या सेम एज इट इज़ वैसे ही क्वेश्चन आ जाएंगे, नहीं। अगर आपके पास प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं भी, तो आप उनसे सिर्फ आइडिया लीजिए और उनसे थोड़ा बढ़ के पढ़ के जाइएगा, ठीक है, कि हाँ ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। ये डेफिनेटली पक्का नहीं है कि सेम एज इट इज़ वही क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि सेम एज इट इज़ नहीं डालेगा बोर्ड,
थोड़ा सा डिफरेंट डालेगा, लेकिन ये है कि पेपर का जो लेवल है वो ईजी रहेगा, हार्ड पेपर नहीं होगा आप लोगों का, क्योंकि कंपार्टमेंट एग्ज़ाम जो है वो ज़्यादा हार्ड नहीं होते हैं, वो ईजी रहते हैं, क्योंकि बच्चों को सेकेंड चांस दिया जाता है और उनको पता होता है कि इन लोगों के पास ये चांस है, उसके बाद इन लोगों को एडमिशन करवाना है और अपने आगे की पढ़ाई करनी है। तो इसलिए आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है बेटा, ठीक है, बस डट के अपना प्रिपरेशन पर लग जाइए और जितना हो सकता है अपना पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। बाकी 31 तारीख अभी दूर है, उसके बीच में कोई भी अपडेट अगर मुझे लगती है ना तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। कहीं से कुछ भी मुझे न्यूज़ पता लगती है या कुछ वीडियोस एक दो मैं बनाऊँगी जो आपकी एग्ज़ाम में हेल्प करेगी, जो मैं आपको टिप्स प्रोवाइड करूँगी, जहाँ जहाँ से लगेगा मुझे वहाँ वहाँ से मैं आप लोगों के लिए वीडियोज़ जो है प्रिपेयर कर दूँगी। बाकी बीच में मेरी तबीयत थोड़ी ढीली थी तो शायद आपको लास्ट 2-3 वीडियोज़ में मेरी आवाज़ भी थोड़ा वीक लगी हो, क्योंकि मैं बहुत स्लो बोल रही हूँ उसमें, और अगर जल्दी बोलती हूँ तो वो भी आप मुझे फीडबैक दे दिया करो, क्योंकि मुझे नहीं पता लगता, मैं बस इस तरीके से बोलती हूँ कि जो सामने में बच्चा बैठा हुआ है या सुन रहा है वो बस बोर ना हो और फटाफट से जो चीज़ें काम की हैं वो सुन ले। मैं बोर करवाने वाली चीज़ें नहीं करती हूँ कि अब तुम ये चीज़ें करना वो चीज़ें करना, तो सीधा काम की बात पर आओ और बच्चों को बताओ, ठीक है ना। तो आई थिंक ये चीज़ें आप लोगों को समझ आ गई हैं, तो और कोई दिक्कत हो सेंटर से रिलेटेड, आप लोगों को कोई डाउट हो, सेंटर हो गया, ड्रेस कोड हो गया, यूनिफॉर्म में जाना है, कितने टाइमिंग पर क्या होगा, कैसे होगा, वो सारी वीडियोस भी 1-2 दिन में आ जाएंगी, तो आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो 31 जुलाई को आप लोगों का पेपर है, तो जम के तैयारी पर लग जाइए, अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कीजिए, ठीक है। बाकी प्लेलिस्ट से हेल्प लीजिए, वहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, MCQs हैं, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनको पढ़िए, 10th हों चाहे 12th वाले हों, ठीक है बेटा। वहाँ पर सारी वीडियोज़ अवेलेबल हैं, इसलिए मैं दोबारा वीडियोज़ प्रिपेयर नहीं कर रही हूँ, ओके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।